हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम एक नई सीरीज शुरू किए हैं जिसमें RMAU से संबंधित जो भी न्यूज़ पेपर्स में आते हैं, जो भी न्यूज़ आते हैं वो हम शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, आज की जो खबर है अवध विश्वविद्यालय से संबंधित, दैनिक जागरण पर छपा ये खबर, अयोध्या जागरण आप देख सकते हैं, और दिनांक 26 तारीख। ओके, तो 26 तारीख दिनांक और अयोध्या जागरण, आज का खबर क्या है आइए खबर को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो खबर है वो विद्यार्थियों से संबंधित नहीं है, एक गणपत कॉलेज है, गणपत सहाय कॉलेज सुल्तानपुर में, उस कॉलेज से संबंधित है, स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, उस वो कॉलेज से संबंधित है। एक्चुअल में मामला हुआ क्या, इसको संक्षेप में समझ जाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट के लिए, तो पूरा पढ़ना कोई मतलब नहीं। संक्षेप में समझ जाइए कि हुआ क्या है। गणपत सहाय कॉलेज में कुछ प्रवक्ताओं की भर्ती हुई थी जिसमें कुछ त्रुटि और कुछ फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसकी सूचना मिली है विश्वविद्यालय प्रशासन को। तो विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक जांच की टीम बैठाई है और गणपत सहाय कॉलेज जो कि सुल्तानपुर में स्थित है उस पर विश्वविद्यालय जांच करेगा। तो ये खबर है। दूसरा खबर ये आ रहा है कि प्री PhD कोर्स का जो एग्ज़ाम्स हुआ था, प्री PhD में एडमिशन के लिए, उसका रिजल्ट घोषित हो गया है जिसमें 277 विद्यार्थियों में 269 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, पूरा खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसमें बस छोटी सी खबर ये है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंध सुल्तानपुर ज़िले के गणपत सहाय PG कॉलेज पर जाँच का शिकंजा कस गया है। इस कॉलेज में संचालित BSc कृषि पाठ्यक्रम हेतु, देखिए BSc कृषि पाठ्यक्रम हेतु हुए प्रवक्ताओं के अनुमोदन पर सवाल है। यही अनुमोदन जांच के रडार पर है, इसको लेकर शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन में से हुई थी। जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो दोस्तों, यही खबर है बस कि एक टीम बैठाई गई है जो इस पे खबर करेगी और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा कुछ खास नहीं, बस इसी में कि कौन कौन लोग जांच में शामिल है, कौन कौन लोगों की टीम बनी है, बस वही चीज़ का कहना है, और जांच सचिव का क्या कहना है, तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी इसमें कुछ खास विद्यार्थियों से रिलेटेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी तब जब एग्ज़ाम्स के टाइम हो। दूसरी खबर क्या है, अवध विश्वविद्यालय प्री PhD कोर्स वर्क परीक्षा फल घोषित। अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्री PhD कोर्स वर्क की परीक्षा का नतीजा घोषित कर दिया है। 277 में से 269 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा नियंत्रक उमानाथ ने बताया कि इसके अतिरिक्त संबंध महाविद्यालय के MSc अंतिम वर्ष 2021 के और MSc के भी रिजल्ट आ चुके हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इन सब के रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। तो बस यही 2 खबर थी आज छोट की, जैसे ही कोई सूचना मिलती है आपको अपडेट किया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।